गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। फिलहाल आपको वीडियो में कुछ चेंजेस लग रहा होगा। जी हाँ, फाइनली हमने GoPro में स्विच कर लिया है। हमारा है GoPro Hero 7, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका अडॉप्टर वगैरह भी साथ में मैंने परचेज किया। एक जो है माओनो का यूज कर रहा हूँ, माओनो का AU40 लाइक इस टाइप का कुछ मॉडल है, वो मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। लिंक आपको नीचे सब चीज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिलहाल पीछे आ रहा है मेरा एक फ्रेंड साथ में, जिसके साथ हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे जहाँ पे मैं करने वाला हूँ वीडियो शूट। उसके पहले जाएंगे हेयर कट कराने, क्योंकि यहाँ पे एक शॉप है जो काफी ज्यादा चलती है। उनके यहाँ पहले से हमको जो है नंबर लगाना पड़ता है, नहीं तो जो हमारा नंबर है वो कभी नहीं आएगा। मतलब ऐसे अगर डायरेक्ट चले गए तो काफी ज्यादा उसमें टाइम लग जाता है। क्या ही रिएक्शन मिलते हैं मैन पीछे, मतलब ऐसे एकदम से स्पीड रेस देखे देख लो तो क्या ही रिएक्शन आते हैं। हमारी फैल्कन है ही इतनी प्यारी। ये है हमारे साथ में फिलहाल साहिल भाई। भाई कैमरे में देख के हाय करो। ये हमारे साथ साहिल भाई, इन्हीं के साथ जाने वाले हैं इन्हीं के गांव पे, बिकॉज वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है और वीडियो शूट करने में काफ़ी ज़्यादा वहीं अच्छा लगता है। और ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा है कि हमको तो आपकी पेमेंट जानना है कि आपकी पेमेंट कितनी आती है, कितना आप कमाते हो यूट्यूब से। और लोगों के कई लोगों के क्वेश्चन है, भाई ये जो गाड़ी है आपने यूट्यूब के ही पैसे से लिए हैं, क्वालिटी में क्या इंप्रूवमेंट लग रहा है, ये आप मेरे को प्लीज़ कमेंट या मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करके बताना। बिकॉज ये जो है मैं इतने पैसे जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और हमारे काफ़ी जल्द जो है 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाले हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कि सो गाइस फिलहाल हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह मेरे घर से थोड़ा दूर है, लगभग 8 किलोमीटर पड़ती है। ये मेरे भाई मतलब जो कॉलेज का है उसी के साथ मैं जा रहा हूँ। तो फिलहाल जाएंगे हेयर कट कराने, नाम उनका काफ़ी ज़्यादा चलता है और काफ़ी अच्छे से बाल काटते हैं, तो उनसे भी मिलता है। हेयर स्ट्रेटिंग मैंने कुछ टाइम पहले उन्हीं की शॉप से कराया था। तो 8 किलोमीटर दूर है लगभग ये मेरे घर से, जबलपुर से थोड़ा आगे की तरफ। और यहाँ पर एक ये मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप भीड़ देख सकते हैं क्या ही ज़्यादा लगी है। कुछ है क्या जी? हाँ अच्छा, कुछ हो रहा है लगभग यहाँ। और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं शॉप की तरफ। वाइड एंगल का आप मेरे को प्लीज़ बताना, मैंने बहुत पैसे खर्च किया हूँ इस चीज़ को लेके, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक अच्छा एंगल, आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल सके। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस चीज़ में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम में जो लोग मुझसे ऐड हैं वो लोग बताना। और इंस्टाग्राम की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से आके विजिट कर सकते हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर एक छोटी सी चीज़ हो गई, बिकॉज शॉप जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे टाइम लग जाता है, नंबर लगाना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मुझे जल्द से जल्द घर जाना है, बिकॉज मॉम को भी मुझे ड्रॉप करने जाना पड़ता है बस स्टैंड तक, और इसलिए फिर हम लोग जो है हेयर कट बाद में कराएंगे। सबसे पहले एक मेन चीज़, फाइनली जो है हमारा हीरो 7 यहाँ पे लगा है, इसी से हम जो रिकॉर्डिंग करके आए हैं। वाइड एंगल आपने देख लिया होगा कितना ज़्यादा वाइड एंगल जो है हमको मिला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। फिलहाल मैं जो है ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे मतलब GoPro से, ये जो फिलहाल DJI Osmo Action से हो रही है, तो उससे मैं जो अभी रिकॉर्डिंग है, मेरे को साउंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि साउंड क्वालिटी हमको कैसी मिल रही होगी। तो वो चीज़ हम इस वीडियो में चेक कर लेंगे कि हमको इम्प्रूवमेंट करना है कि नहीं साउंड क्वालिटी में। और वीडियो में तो हमने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, जो कि मैंने देखा काफ़ी अच्छा वाइड एंगल हमको इसमें मिलता है। तो फिलहाल चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, करते हैं हमारी इनकम को लेकर बात। कल हम लोग हैं एक लोकेशन पर जो कि जबलपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जो हम लोग गए थे शॉप में बेसिकली मुझे जो है हेयर कट कराना था, बट जो शॉप है उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ होने के कारण और मुझे जल्दी जाना है, वैसे भी मुझे मॉम को ड्रॉप करने जाना पड़ता है, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना था। तो जो हेयर कट का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिए हैं संडे के लिए, तो संडे को हम लोग जो हेयर कट कराएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि मैं कितना कमाता हूँ यूट्यूब से, तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब जो Q&A वगैरह टाइप का, ये जो है बेसिकली एक पार्ट है Q&A का, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि मैं कितना कमा लेता हूँ। फिलहाल मैं डायरेक्ट आपको अर्निंग का नहीं बता सकता, बिकॉज ये यूट्यूब की पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा। तो मैं आपको फिलहाल एक ऐसी नॉर्मल क्लियर कर देता हूँ कि मैं कितना कमा लेता हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये जो बाइक है, काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं आपने यूट्यूब के पैसे से खरीदे, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने ये जो है मेरी जिक्सर एसएफ सोल्ड आउट किया था और उसी के पैसे से मैंने ये बाइक परचेज किया हूँ डाउन पेमेंट करके। और हाँ, इसकी जो किस्त है वो मेरी यूट्यूब के पैसे से ही जाती है, मैंने अपने उससे फाइनेंस कराया हूँ ये गाड़ी को, तो ये इसकी पेमेंट जो है वो सब मेरे मतलब इसकी जितनी भी EMI है वो मेरे अकाउंट से जाती है, और मैं अपना घर का खर्चा चला सकता हूँ और मेरी बाइक वगैरह की मतलब जो किस्त है वो पेड कर सकता हूँ, और अपनी जो मतलब बेसिक नीड्स है वो सब मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। अब जो मैं कैमरे वगैरह परचेज़ कर रहा हूँ GoPro वगैरह, वो सब मैं अपने YouTube के पैसे से ही ले रहा हूँ। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं मेरी मंथली इनकम है वो कितनी होती है। और अगर आपको काफ़ी अच्छे से ये मतलब काफ़ी डीपली और डीपली जानना है, तो मैं आपको मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मैं आपको, आप जैसे मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, मतलब एक वेबसाइट की लिंक शेयर करूँगा, तो आप उसमें जाके एक एस्टिमेट देख सकते हैं कि मेरी जो मंथली और ईयरली इनकम
में वो कितनी होती है, मेरा मतलब चैनल की जो रैंक है पूरे इंडिया और पूरे एशिया में कितनी है, वो सब उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्प्ले में आपको यूजर नेम जो है वो शो हो रहा होगा। गाइस फाइनली हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 500 सब्सक्राइबर अप्रॉक्स बचे हैं मुझे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के। हमारी जो है 10,000 की फैमिली हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से हम सेलिब्रेट करेंगे और काफ़ी फिर और ज़्यादा मैं वीडियो में और ज़्यादा मेहनत करूँगा। आपका एक लाइक, आपका एक कॉमेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है मेरे को अगला वीडियो शूट करने के लिए। तो आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा और ऐसे ही हमारी 10,000 की फैमिली हुई है, ऐसे ही हम 1,00,000, 1,000,000 ऐसे ही करके फटाफट हमारी जो फैमिली है वो ऐसे बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, जो हर वीडियोज़ को लाइक करते हैं, हर वीडियोज़ को कॉमेंट करते हैं। अब मैं एक नई चीज़ चालू करूँगा जो कि मेरे वीडियोज़ में कॉमेंट करेंगे लोग, अगर मुझे वो कॉमेंट पसंद आता है तो अगले वीडियो में उस कॉमेंट को मैं मैंशन करूँगा और मतलब उसमें शार्ट आउट जैसा बोलते हैं जो शार्ट आउट दूंगा। आपका प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखेगा, काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा देख के कि लोग हमको इतना पसंद करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ देखने में। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यही एंड। इनकम को लेके जो लोग का डाउट था, थोड़ा बहुत डाउट है बट मेरी भी मजबूरी है, मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर लीजिएगा, वहाँ से मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ उसके थ्रू जाके कोई भी यूट्यूबर, मैं अकेले का नहीं बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर का आप जाके इनकम वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जल्द से जल्द तुम्हारे भाई के 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। We'll be right back.